ये देख रहे हैं आप, भी कुछ टाइम पहले तो इसमें लाइट आ रही थी लेकिन अब वो भी आना बंद हो गई है। और ये है अम्मी का मोबाइल, यानी कि खराब हो गया, तो अब इसको सुधरवाना पड़ेगा। पहले चेक करवा लेते हैं किसी, इसका जो मैकेनिक है उससे चेक करवाते हैं, भाई ठीक होता है तो ठीक, नहीं होता तो फिर दूसरा तो लेना ही पड़ेगा। और इसी के साथ आज हम आपको मिलवाने वाले हैं इस वीडियो में एक बुलबुल के बच्चे से, क्या है वो तो हम आपको दिखाई देंगे। और इसी के साथ आज हम आपको एक खास चीज के बारे में भी बताने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, तो बस जानने के लिए देखते रहिए हमारी वीडियो। भाई दोस्तों, सबसे पहले आपको मिलवाते हैं अपने बुलबुल के बच्चे से। ये रहा अपना बुलबुल का बच्चा, कैसे हो? बढ़िया है। तो दोस्तों इसकी डिटेल की बात करें तो बाकी सब चीज आपके सामने, और इसके नाम क्या है वो आपको दिख ही रहा है यहाँ पर, और इसका कलर है ब्लू। ब्लू कलर अच्छा लग रहा था इसलिए अपन ने ब्लू ले लिया। तो दोस्तों मिल ली आप लोगों ने अपने बुलबुल के बच्चे से, तो इसका नाम अपन ने बुलबुल का बच्चा रखा हुआ है। आप लोग कहेंगे ये कैसा नाम है आमिर भाई, बुलबुल का बच्चा? बुलबुल क्या होता है? बुलबुल का मतलब है एक चिड़िया को बोलते हैं बुलबुल, आप चाहे तो उसे गूगल करके भी देख सकते हैं। कहने में अच्छा लग रहा है तो इसलिए यार, जो चीज अपन को प्यारी लगती है उसको बुलबुल का बच्चा कहने में और भी ज्यादा मजा आ रहा है, तो इसलिए आज से अपन ने इसका नाम रख दिया बुलबुल का बच्चा। तो दोस्तों मेरे काफी टाइम से कहे थे यार, मेरे ड्रीम बाइक थी एक तरह से यार, मैंने काफी टाइम पहले सोच कर रखा था यार मुझे बाइक लूंगा तो यार मैं R15 चाहिए। और यहाँ पर अपन ने अभी मार्क्स वगैरह यहाँ पर खाली खाली दिख रहा है मुझे, और यहाँ पर अपन ने इसके अभी साइड ग्लास निकाल के रख दिए हैं क्योंकि मुझे बिना साइड ग्लास के काफी अच्छी लग रही थी, तो अभी अपन ने निकाल दिया हुआ, तो बाद में अपन इसको लगा लेंगे। और अभी यहाँ पर मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है ना हिस्सा, ये थोड़ा खाली लग रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ इसको अपन डार्क ब्लैक करके रेडियम से और इसके ऊपर कुछ लिखवा लेते हैं। क्या लिखवाएं, अपना नाम ही लिखवा लेते हैं, बुलबुल के बच्चे को अपने नाम से रजिस्टर्ड कर देते हैं और क्या, अच्छा लगेगा शायद। तो यहाँ पर अपन नाम लिखवा लेते हैं, चलकर देखते हैं और क्या डिजाइन में आएगा। और यहाँ पे एक लोगो करते हैं अपन YouTube का लोगो होगा साथ में और अपना नाम, तो बुलबुल का बच्चा और भी ज़्यादा काफ़ी अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। चलिए चलकर देखते हैं। और इसके अलावा अभी याद आ गया भाई, हाँ ये पहले अपन को ये काम करना है वरना अम्मी डांटेंगी अपन को। अम्मी का पहले काम कर दें, चलकर पहले मोबाइल को दिखवा देते हैं और उसके बाद फिर अपन चलते हैं रेडियम की दुकान पे और देखते हैं कोई अच्छी डिज़ाइन होगी तो वो करवाते हैं, बाकी अपन को तो ये तो करवाना ही करवाना है। तो चलिए दोस्तों मैं आप लोगों को इसका साउंड सुनाता हूँ किस तरह का साउंड है। वैसे ये नॉर्मल साइलेंसर है, इसमें कोई बड़ा साइलेंसर होता है नहीं स्पोर्ट्स बाइक में जैसा होता है, तो नॉर्मल ही आवाज़ आएगी। फिर ये अपन चेक करते हैं, अभी स्टार्ट। दोस्तों अभी मुझे ये चीज़ पता चली कि यार मैं इतने टाइम से परेशान हो रहा था, स्टार्ट कर रहा था इस गाड़ी को, लेकिन मैंने ध्यान दिया कि मेरा साइड स्टैंड लगा हुआ था, मतलब साइड स्टैंड पे खड़ी थी गाड़ी, तो कितने देर तक स्टार्ट की लेकिन स्टार्ट नहीं हुई। जैसे मैंने साइड स्टैंड ऊपर किया फ़ौरन गाड़ी स्टार्ट हो गई, यानी कि आप साइड स्टैंड अगर नहीं लगाएंगे तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। ये सिस्टम भी इस गाड़ी के अंदर, ये मुझे अब पता चला, मतलब इतनी देर परेशान होने के बाद एक चीज़ तो पता चली यार। तो दोस्तों अभी हम लोग आ गए यहाँ पर, रास्ते में पहले दुकान पड़ गई थी रेडियम की दुकान, तो सोचा अभी शाम भी होने वाली तो पहले अपन ये वाला काम करवा लेते हैं रेडियम का, उसके बाद फिर यहाँ से निकलते हैं। आ गए यहाँ पर ये बाइक की शॉप है, यहाँ पर ये अभी बना रहा है, अभी अपन ने बोला है कि यहाँ पर पहले इस पर ब्लैक चढ़ाएंगे, इस पर ब्लैक वो बनाइल होगा, इसके बाद फिर अपन उसके ऊपर नाम लिख पाएंगे। मैं सोच रहा हूँ यार इस पर ज़्यादा डिज़ाइन वगैरह कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ खाली नाम लिखेंगे और यूट्यूब का लोगो लगा देंगे, सिंपल। ज़्यादा ग्राफिक्स अच्छा नहीं लगता यार, मतलब सिंपल रहो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अभी क्या कर रहे हैं भाई ये पहले? अच्छा पहले गर्म कर रहे हैं मशीन से, धूल वगैरह सब क्लीन हो जाएगी पहले। उसको चढ़ाते जा रहा हूँ, साथ में गर्म भी करते जा रहा हूँ ताकि उसके सेल वगैरह सब खत्म होते जाए। वो तो भाई कितने दिन चल जाएगा ये तकरीबन? जब तक गाड़ी है तब तक चल जाएगा, चलिए देखते हैं भाई। तो दोस्तों अभी ब्लैक वाला जो विनाइल है ये जो चढ़ा दिया गया है इसके ऊपर,
ब्लैक रेडियम, इसके ऊपर अपन नाम लिखना है। तो चलिए अब इसका डिज़ाइन चेक कर लेते हैं यहाँ पर कंप्यूटर पे। अब देखते हैं यार किस तरह की डिज़ाइन बेटर रहेगी अपने लिए। और खाली एक लोगो भी निकालना है, अल आमिर खान, डबल ए से आमिर। चलिए स्टार्ट हो रहा है, अपना नाम वहाँ से निकल के यहाँ पर निकलने वाला है। कटिंग स्टार्ट हो गई है। चलो खान नाम तो तैयार हो गया, अब लोगो भी और बचा हुआ है। अभी उसमें से निकालना है कटिंग में से अपने नाम को। ये देखो आप इसको उठाएंगे कैसे कटिंग वर्ड्स को। टेप लगाया, थोड़ा सा टेप को रफ किया, फिर ये वर्ड्स पे लगाया। ये उठाना स्टार्ट, सेंटर आप देख लीजिए अपने हिसाब से ना। अभी YouTube आ गया है भाई, थोड़ा सा और नीचे आएगा शायद। हाँ इतने ठीक लग रहा है, इस पोजीशन पे सेट होगा यूट्यूब जी भाई। सेंटर ले लेना आप ना। अब वो कटिंग बची इसके ऊपर, वो आता ना ट्रायंगल, इससे करके वो वाइट कलर में कटिंग करके निकालना पड़ेगा उसको अलग से। ये लगा, देख लो यूट्यूब वालों, तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा हूँ, तुम्हारा लोग हम तैयार कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये तैयार है दोस्तों, अपना नाम लिख गया अलामर खान, और ये लोगो भी तैयार हो चुका है। दूर से कुछ इस तरह से दिख रही है गाड़ी। तो दोस्तों हो चुका अपना रेडियम का काम कंप्लीट, हो चुकी है अपनी गाड़ी बुलबुल का बच्चा, और थोड़ा और अच्छा लगने लगा है। अब इसके साथ सेल्फी भी ले जा सकती है आप भी चाहें तो। अगर आपको कहीं पर भी गाड़ी नज़र आती दिख रही तो आप भी सेल्फी लेकर मुझे टैग कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। तो चलिए दोस्तों अब निकलते हैं अपन यहाँ से इब्राहिमपुरे पे। तो अभी हम लोग इब्राहिमपुरे से हमने यहाँ पर काम करवा दिया गाड़ी का, अब निकलते हैं मोबाइल के लिए। तो बड़ा नक्काश पर चलते हैं, वहाँ पर देखते हैं क्या माहौल है। तो भाई ये मोबाइल अभी दे दिया अपन ने शाहिद भाई को। शाहिद भाई कह रहे हैं कि इसमें थोड़ा बहुत शायद हार्डवेयर भी प्रॉब्लम है या सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। तो भाई कितना टाइम लग जाएगा सही होने में? चेक करके बताता हूँ, अभी बता देंगे आप। ठीक है आप बता दीजिए मुझे, मैं वेट कर रहा हूँ। तो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर चेतन मार्केट है घोड़ा नक्काश में। यहाँ पर काफ़ी सारी शॉप्स है मोबाइल रिपेयरिंग के, और मोबाइल का काफ़ी सारा सामान जो भी होल सेल में मिलता है सारा आइटम आपको यहीं पर मिल जाएगा। सारे सॉल्यूशन जितने भी मोबाइल का सब कुछ यहीं पर हो जाता है। तो यहीं पर शॉप है, यहाँ पर चेतन मार्केट में बेसमेंट में यहाँ पर शाहिद भाई की एक शॉप है। इनके पास काफ़ी टाइम से अपन मोबाइल वगैरह रिपेयर करवाते रहते हैं, तभी इनको चेक कराया उन्होंने, बताया कि अभी मैं चेक करके बता देता हूँ, शायद हार्डवेयर भी हो सकता है या फिर सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, देखते हैं क्या निकलता है। चेक करके कितने टाइम लगेगा आपको? आप कल देख लो। कल तो मतलब बैटरी की प्रॉब्लम हो सकती है या फिर आईसी की प्रॉब्लम? आईसी की है। ठीक है आप आईसी उसको हीट करके देख लीजिएगा ना, जो भी होता है उसका। दोस्तों मोबाइल डाल दिया, आप शाहिद भाई कल तक फ़ोन करके बता देंगे कि भाई क्या प्रॉब्लम है, कल तक सही भी हो जाएगा तो आकर उठा लेंगे। तो चलिए यहाँ से निकलते हैं अभी अपन। तो अभी चेतन मार्केट देखिए काफ़ी सारा बड़ा है, यहाँ पर काफ़ी सारी शॉप्स हैं, यहाँ पर देखिए होल सेल वगैरह शॉप्स हैं, हर आइटम मतलब कि आपको मार्केट से कम रेट पर मिल जाता है आसानी से। और आप लोग बताइए अगर आप लोगों को वीडियो चाहिए कि इस मार्केट के ऊपर कि फुल डिटेल से एक वीडियो बनाएं इस मार्केट के ऊपर, तो आप लोग बताइएगा कमेंट करके। देखते हैं अपन आगे फिर एक पूरा ब्लॉग बनाएंगे पूरा मार्केट के ऊपर, जिसमें सारी चीज़ आपको बताएं क्या है, क्या चीज़ कितने रेट पर मिलती है सब कुछ। तो चलिए अभी हम लोग आ गए यहाँ पर, अपना बुलबुल के बच्चे को उठा लेते हैं। हमने काफ़ी दूर खड़ी करके आए, यहाँ पर अपना जीतू भाई की शॉप है ना उसके पीछे खड़ी करी, क्योंकि यहाँ पर तो कोई जगह है नहीं। यहाँ पर देखिए पूरा रोड जाम रहता है यहाँ पर। इस रोड के ऊपर ना पार्किंग की काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, इसलिए गाड़ी अपन काफ़ी दूर खड़ी करके आ जाते हैं और यहाँ से उठा भी लेते हैं बहुत जल्दी से गाड़ियाँ। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर खड़ी करी थी अपनी गाड़ी को, यहाँ पर सेफ है क्योंकि ट्रैफिक भी नहीं है और यहाँ से कोई उठा भी नहीं सकता। तो चलिए दोस्तों अब निकलते हैं घर के लिए अपन यहाँ से। अब घर जाकर मैं आपको वो चीज़ बताने वाला हूँ, जो खास चीज़ आप लोगों को बताने वाला था इस वीडियो में। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों ये रही वो चीज़ जिसके बारे में हम बात कर रहे थे कि हम आपको दिखाएंगे खास चीज़, इसको देखकर आप समझ ही गए होंगे क्या है ये। तो इसकी अनबॉक्सिंग होने वाली है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप वेट करें।